इस्लाम के जंगी इतिहास में से एक जंग इस जगह लड़ी गई थी जिसे बैटल ऑफ उहुद के नाम से जाना जाता है। बदर की जंग में शिकस्त खाने के बाद कुरैश की फौज ने मदीना के मुसलमानों से एक और जंग का ऐलान किया, जहां कुरैश के फौज में 3000 फौजी, 3000 ऊंट और 200 घुड़सवार थे, वहीं मुसलमानों की फौज में 700 फौजी, 50 तीरबाज और 4 घुड़सवार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ पर तैनात किया था ताकि मक्का वाले पीछे से हमला ना कर सके, और इन्हें नीचे उतरने की सख्त मनाही थी। शुरुआत में जंग बहुत सख्त थी, पर कुछ ही समय बाद मक्का वाले पीछे हटने लगे और जंग की जीत साफ नजर आ रही थी। इसे देख 50 में से 41 तीरंदाज खुशी से इस पहाड़ से उतर जाते हैं, और कुरैश की फौज में खालिद बिन वालिद इसका फायदा उठाते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ से मदीना वालों को घेर लेते हैं। इस सूरत हाल से बचकर मदीना वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस पहाड़ में चढ़ जाते हैं, जहां कुरैश की फौज अपने घोड़े लेकर नहीं चढ़ पाती, और अगर चढ़ती तो तीरंदाज से बच नहीं पाती। इसे देख मक्का की फौज वापस लौट जाती है, और कुरैश के इस जंग के पीछे दो मोटिव्स पूरे नहीं हो पाते, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना और दूसरा मदीना पर कब्जा करना। इस जंग में मुसलमानों का नुकसान तो बहुत हुआ, पर इसी के साथ साथ मुसलमानों ने एक बात समझी कि जंग के दौरान अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना, और आने वाले समय में बड़े बड़े खिलाफत से जंग के दौरान मुसलमानों की फौज ने अपने लीडर की खिलाफ अर्जी नहीं की। आज के दिन इस जगह एक मस्जिद और जंग के दौरान शहीद हुए 70 सहाबा दफन है।